हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसकी नेचर की, इसके ऑब्जेक्टिव के, एंड आज हम इस सेशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका मेन कंटेंट करेंगे एंड इसकी क्लासिफिकेशन, मीनिंग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिफाइन किए गए हैं, वो कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। वैसे अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसकी ऑफिशियली कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिफाइन किए गए हैं, अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, इसको माइंड में रखना चाहते हैं, इनको लर्न करने के लिए, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। तो फॉर एकेडमिक पर्पस वी क्लासिफाइड इन कीपिंग द व्यू ऑफ नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, जो इसकी नेचर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, उसी के बिहाव पर ही हमने इसको क्लासिफाइड किया है। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको हम फोर पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, देन लिबरल प्रिंसिपल्स, गांधियन प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। तो ये चार तरह के प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सामने आते हैं जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो मेन आर्टिकल्स हैं, इनकी स्टडी करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जी है क्या, जिस स्टेट को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हुए कौन सी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको माइंड में रखना है। जैसे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है इसको इस्टेब्लिश करना, एंड इसके साथ ही इंडिया को सोशल वेलफेयर कंट्री बनाना। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई हैं, इनको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो पहले हम इनका मेन कंटेंट देखते हैं। तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें फर्स्ट देखते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, जो सोशलिज्म की तरफ हमको लेकर जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे सोशलिस्ट कंट्री है, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो वेल्थ है, कुछ हाथों में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, इस पर पूरी सोसाइटी का राइट होना चाहिए। तो ऐसे प्रिंसिपल जो ये कहते हैं किसी एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम सब सोसाइटी के साथ बिलोंग करती हैं, इसीलिए जे हमारे हैं। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं जे ही डिफाइन करते हैं। तो आर्टिकल 38, 39, 41, 2 एंड 43 जे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको डिफाइन करते हैं। जो इनमें से आर्टिकल 32 है, जे कहता है कि स्टेट विल मेक एफर्ट्स टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इन द ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मीनिंग स्टेट एक ऐसे प्रसिस्टेंट एफर्ट्स करेगी, ऐसे काम करेगी जिससे पूरे समाज में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस क्रिएट हो सके। इसीलिए 32 सब क्लोज 2 वो क्या कहते हैं कि स्टेट इनइक्वालिटीज हैं, इनको दूर करने के हर एक काम करेगी। तो जी हमको सोशलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। उसी तरह जो आर्टिकल 39 है, जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को डिफाइन करती है, तो ये क्या कहती है, 39A एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीनिंग जो सिटीजन्स हैं, इन सिटीजन्स को एडुकेट मीन्स मिलने चाहिए, सबको वर्क करने का राइट मिलना चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक नीड्स हैं इनको फुलफिल कर सकते हैं। 39B ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मीनिंग जो भी रिसोर्सेज हैं
उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं किसी एक के हाथ में कंसंट्रेट ना हो और जो मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं जो कॉमन गुड के लिए कॉमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाने चाहिए। अगर स्टेट मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो वो बना सकती है, तो जे सिटीजन्स को राइट मिला है कि उसके राइट्स की प्रोटेक्शन हो रही है और स्टेट उसको एक्सप्लाइटेशन से बचा रही है। नंबर थर्ड, वेल्थ नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। सरकार हर तरह के जे ही एफर्ट्स करेगी जो देश की वेल्थ है कुछ हाथों में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होनी चाहिए। जो हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो जिस सभी कॉन्सेप्ट्स किसको डिफाइन कर रहे हैं, सोशलिज्म को डिफाइन करते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट तो ये ही मानते हैं इकोनॉमी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। मीनिंग अगर हम एक काम करते हैं सेम काम के लिए सभी को सेम वेजेस मिलनी चाहिए, तो मैन और वुमेन इनमें भी किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज गुड इन्वायरमेंट कंडीशंस फॉर वर्कर। जो वर्कर हैं लेबर हैं इनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, इनकी हेल्थ डिटोरिरेट नहीं होनी चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं, काम करना हमारी इकोनॉमिक नीड है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमिक नीड्स को कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो इसके लिए जहाँ पर वर्क प्लेस पर हम काम कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पर तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। अगर कोई ओल्ड एज है, चिल्ड्रन है, वुमेन है, उनकी हेल्थ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। नेक्स्ट इज एंड ऑफ द एक्सप्लाइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो गवर्नमेंट है हमारी स्टेट चिल्ड्रन के एक्सप्लाइटेशन से उनको बचाएगी, तभी तो जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं उनको कोई भी बहुत ही बड़ा हैजर्डस वर्क है वो नहीं करने दिया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चिल्ड्रन को बचाना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो आर्टिकल 39 है जो इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात करता है, तो इसको लर्न करने का बहुत ही ईजी वे हो गया जो आर्टिकल 38 है जो कॉमनली हमको बताता है सोशलिज्म क्रिएट करना चाहिए, सोशलिज्म कैसे सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू, एंड आर्टिकल 39 है जो इकोनॉमिक सोशलिज्म की बात करता है, एंड 39A जिसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है अगर इनके साथ कोई इनजस्टिस हो जाए तो जब कोर्ट में अपना केस फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए इनको फ्री लीगल असिस्टेंस देनी चाहिए टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीनिंग अगर इनको हम एक फ्री लीगल सर्विस देंगे, एडवाइस मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी, तो इससे क्या होगा, इससे इनको बेनिफिट होगा कि इनके साथ कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह इकोनॉमिक जस्टिस है इसको इंक्रीज करने के लिए आर्टिकल 439 है जो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, एंड आर्टिकल 41 जी क्या कहती है, स्टेट विल वर्क फॉर प्रोवाइड टू सिटीजन्स द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू असिस्टेंस। तो इस तरह आर्टिकल 41 जी कहता है कि किसी के साथ वर्क के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। जब हम 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, अगर राइट टू एजुकेशन हम अपना फंडामेंटल राइट बना रहे हैं, राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इसी तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है कि सबको राइट टू एजुकेशन भी होना चाहिए, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए। 42 आर्टिकल 42 कहते हैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क। वर्क के लिए अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए ताकि वर्कर की हेल्थ के साथ कोई भी नुकसान ना हो, एंड जो वुमन है उनको मटर्निटी लीव है इसकी प्रोविजन भी दी जानी चाहिए। मटर्निटी लीव हो गई, रिलीफ हो गया, इससे क्या होगा, इससे उसकी हेल्थ है, आने वाले बच्चे की हेल्थ है, इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कंडीशंस को भी ध्यान में रखा गया है, एंड आर्टिकल 43 इंश्योर एडुकेट वेजेस गुड लाइफ एंड रेस्ट टू द लेबरर्स। मीन जो लेबर क्लास है उनके लिए एक्चुअल में एडुकेट वेजेस तो मिलनी चाहिए। अगर वर्कर है सुबह से शाम तक काम कर रहा है, कम से कम इतनी वेजेस तो मिले उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाए,
उसको अच्छी लाइफ है वो इंजॉय कर सके, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सके, तो इस तरह उसको भी मंथ में रेस्ट की ज़रूरत होती है। वो रेस्ट की प्रोविज़न भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो जो जे प्रिंसिपल्स हैं, जे आर्टिकल्स हैं, हमको एक सोशलिज्म की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इनको इंक्रीज करना चाहते हैं। हम इसमें सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये सोशल जस्टिस की बात हो रही है, आर्टिकल 41, 42 क्या कह रहे हैं कि जे इकोनॉमिक जस्टिस इंक्रीज हो रही है। आर्टिकल 43 जे भी इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की ही बात करता है। तो जे हो गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम करते हैं नंबर 2, लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल प्रिंसिपल्स क्या डिफाइन करते हैं? हमारी लिबर्टी को, हमारी फ्रीडम को, हमारी सोच को, कि हम भी प्रोग्रेसिव हैं, हम भी पुरानी एशियन सोच है, हम इससे आगे निकल चुके हैं, हम भी साइंटिफिक डिवेलपमेंट में फेथ रखते हैं। तो जे अप्रोच, जे प्रिंसिपल्स है, हमको प्रोग्रेसिव बनाते हैं। एंड इनमें जो आर्टिकल्स 44, 45, 47, 48, 49, 50 है, जे आर्टिकल्स लिबरल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 44 जे क्या डिफाइन करते हैं? यूनिवर्सल सिविल कोड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी रेस हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन जब भी जस्टिस होगा यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, जिससे किसी के साथ इनजस्ट नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 45 चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली एज में बच्चों को चाइल्ड केयर की ज़रूरत होती है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। जो हमारी लिबरल सोच है, जिससे आने वाली जनरेशन है वो प्रोग्रेसिव बन सकेंगी। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव हेल्थ, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स, जे ही डिफाइन तो कर रही हैं कि अगर हम अपने बच्चों की अच्छे से केयर करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनको न्यूट्रिशन देंगे, उनको हेल्थी फूड देंगे, इससे हमारी आने वाला फ्यूचर है वो भी हेल्दी बन पाएगा, जिससे बेनिफिट अल्टीमेट इंडिया को ही मिलेगा। जो स्किल्ड लेबर है वो क्रिएट हो पाएगा, स्किल से हम डिवेलपमेंट कर पाएंगे। आर्टिकल 48 जे क्या डिफाइन करता है? मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, मीनिंग हमको, हम एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ बैकवर्ड वे से नहीं डिवेलप करनी चाहिए, हम भी प्रोग्रेसिव वे से, मॉडर्न वे से एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। 48A जे क्या कहते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको प्रोटेक्शन करनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हम डिवेलप नहीं कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 49 जे कहता है मोनूमेंट्स हैं, इसकी प्रोटेक्शन भी करना हमारी ही ड्यूटी बनती है। तो जी लिबरल प्रिंसिपल है, तो जी लिबर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आर्टिकल 50 जे क्या कहते हैं? सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ पब्लिक सर्विस। अब जो जुडिशरी है जे इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहेगी, इसको एग्जीक्यूटिव चाहे फिर किसी अदर ब्रांच के साथ, आपको इसको अलग ही रखना है, इंटरमिक्सिंग नहीं करनी है, ताकि सबको जस्टिस मिल सके। तो जे हो गए लिबरल प्रिंसिपल्स। उसके बाद थर्ड आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। जो उस टाइम गांधी जी थे, गांधी जी ने हमारे पूरे इंडिया की सोच है, अपनी फिलोसफी है, इसको बहुत ज़्यादा डिवेलप किया था। तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स का इम्पैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर भी है, फंडामेंटल राइट्स पर भी है। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 40, 43, 46, 47 एंड 48 जे क्या डिफाइन करते हैं? आर्टिकल 40 सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे गांधी जी कहते थे कि जो पावर्स हैं एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, तो विलेज लेवल तक जो सेल्फ गवर्नमेंट है ऐसा रूल होना चाहिए। तो सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन, जैसे हमारी कंट्री में भी क्या है, हम सेल्फ गवर्नमेंट है, सेल्फ रूल करते हैं। तो जो हमारी 93 में 94 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, 73 एंड 74, जिसमें अर्बन एंड रूरल एरिया में सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरिया में, इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए,
चाहिए, इसमें जो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन है वो नहीं होगी, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है वो नहीं होगी। 46 प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन टू एससी एसटी एनबीसी, जो हमारी उस टाइम वीकर सेक्शन थी इसको एक्सप्लाइटेशन से प्रोटेक्ट करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड आर्टिकल 47 जो कहता है बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग है, नशा है, इन पर हमको बैन लगाना चाहिए। एंड लाइक दिस 48 है वो किस पर बैन की बात करता है, स्लॉटरिंग ऑफ काउस कैल्स एंड अदर मिल्क कैटल, जो हमको मिल्क देते हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट होते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है, उन कैटल्स को जो स्लॉटरिंग है उसको बैन करना चाहिए। तो इस तरीके गांधी प्रिंसिपल हो गए। तो जो आर्टिकल 50 तक हैं ये आर्टिकल्स हमको क्या करते हैं, हमारे सोशलिस्टिक लिबरल गांधी प्रिंसिपल को रिमाइंड कराते हैं। एंड जो लास्ट वन है इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमको कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन सी बातें हैं उसको माइंड में रखना चाहिए। और इसके लिए जो आर्टिकल 51 है वो डिफाइन करती है। आर्टिकल 51 ए क्या कहती है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारा फिथ है पीस एंड सिक्योरिटी में, हम इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी पहले वॉर नहीं स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब जब इंटरनेशनल रिलेशंस में वॉर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, उस टाइम भी हम शांति दूत ही बने हुए थे, हम मेडोकर की तरह क्या कर रहे थे, इनमें जो पीस है पीस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पंचशील सिद्धांत है वो भी यही डिफाइन करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। आर्टिकल 51 भी जो स्टेट है, स्टेट क्या करेगी, इट विल मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस अमंग वेरियस स्टेट्स इन द वर्ल्ड, मीनिंग अदर कंट्री हैं उनके साथ ऑनरेबल रिलेशंस हैं, इसको मेंटेन करना, इसको प्रमोट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड 51C जी क्या कहते हैं, प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एंड लॉज, मीनिंग अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम कोई ट्रीटी करते हैं, कोई लॉ को साइन करते हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और इसको प्रमोट भी करते हैं, हम कभी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को कभी भी वायलेट नहीं करते हैं। एंड 51D सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट हो जाएगा हम ऐसा नहीं है कि सीधा वॉर पर आ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स बन जाते हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी है, स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं कि जब भी आप पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करोगे अपनी कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के साथ आपको कैसी ट्रीट करना है, कैसे लॉ बनाने हैं, उनका कैसे वेलफेयर है, उनको प्रमोट करना है। सिर्फ आपको पॉलिटिकल मैटर्स में जस्टिस क्रिएट नहीं करना, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स में भी जस्टिस क्रिएट करना है, ओवरऑल डिवेलपमेंट करनी आपकी ड्यूटी बनती है। तो जिस प्रिंसिपल्स हैं ट्रैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफाइन कर दिए गए हैं। तो विद दिस हमारा मेन कॉन्टेंट ऑफ ट्रैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इंप्लीमेंट्स ऑफ ट्रैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।